मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मदरसा एवं मिशनरी स्कूलों को आड़े हाथों लेते हुए धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर दंडात्मक कार्यवाही करने की बात कही। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा सीखने के लिए संस्थान चलाने का अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दुरुपयोग करते हुए ये दुष्प्रचार करते हैं। जिन मदरसों से अवैध गतिविधियां चलती हैं और जो नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनको बंद करवा के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा की शिक्षा देने के लिए अपने संस्थान चलाने का अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दुरुपयोग करते हुए जो मार्केट में आए हैं, बाजार में आए हैं, वो लोग उस संस्थान में अल्पसंख्यक होते ही नहीं है और केवल संचालित करने वाले लोग होते हैं जो शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं और दुष्प्रचार में भी शरीक होते हैं। इसलिए इसकी फिर से व्यापक एक बार चर्चा होना चाहिए और सही अर्थों में भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उनका एक प्रकार नियम प्रक्रिया तय होना चाहिए। देखिए, मदरसे सरकार संचालित करे या नहीं, सरकार ने बहुत सारे मान्यता के नियम बनाए हैं और उन नियमों के अंत में हमने कई सारी बातें करने की कोशिश की थी पहले मदरसों में, और अभी भी सरकार उसके प्रति है कि जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां चलती है वो मदरसे हाल हालत में बंद होना चाहिए और जो संचालित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है। इस देश के हिंदुओं को संविधान के अनुच्छेद 30 में उल्लेख नहीं होता है, ये केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए होता है और इस देश में हमारे गुरुकुल जो संचालित होते हैं वो हिंदू समाज के लोगों के द्वारा संचालित होते हैं, वो इस धारा में नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।